दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर अहम मुद्दे पर। मैंने इसे गंभीर और अहम इसलिए कहा क्योंकि यहाँ एक झटके में लोगों की जिंदगियाँ बर्बाद हो जाती है। लोग घर से सीधे सड़क पर आ जाते हैं, जिंदगी भर की कमाई एक झटके में लूट जाती है। साइबर सेल के कुछ 9 नियम आए हैं जिनको आप अगर अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, अपनी बैंक अकाउंट के साथ में, तो आपके बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे आपके लिए मतलब वो सही सलामत है। वरना आप उन पैसों को निकाल लो, अगर इन 9 नियमों को आप नहीं मानते हो तो उन पैसों को निकाल लो, घर में किसी तिजोरी में बंद रखो, आपके पैसे आपकी बैंक में सेफ नहीं है। मैं आपको इन 9 नियमों को बताने से पहले एक और दास्तां यहाँ पे सुनाना चाहूँगा दोस्तों, जिसको सुनकर शायद आपको लगे कि भाई ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये बात है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जिंदगी भर अपनी एक रिक्शे की सीट पर बिता दी। धूप, गर्मी, बारिश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात है दोस्तों एक रिक्शे वाले की जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने शहर के सड़कों पर बिता दी। ये व्यक्ति दिन रात एक करके काम करता है, यानी कि मुझे लगता है कि जो खून पसीने की कमाई जो कहते हैं वो इसी तरह से जो लोग कमाते हैं वही है एक्चुअल में खून पसीने की कमाई। ऐसे के कमरे में बैठकर कंप्यूटर के बटन्स को दबाना वो शायद खून पसीने की कमाई नहीं है। हालांकि काम जो है हर किसी का, उसके लिए काम जो है खास होता है, वो उसके लिए मेहनत वाला होता है, लेकिन मुझे जो लगता है कि खून पसीने की जो कमाई है वो कहीं ना कहीं सारा क्रेडिट जो है वो इनको जाना चाहिए। जिंदगी भर वो रिक्शे में सवारी ढोते ढोते वो कमाता है तकरीबन 1,00,000 रुपए, 90,000 से 1,00,000 रुपए के बीच एक रकम को इकट्ठा करके अपने बैंक अकाउंट में रखता है। यही वो रकम है जिससे वो अपनी बुढ़ापे की सहारा समझता था। यही वो रकम है जिससे बच्चों की पढ़ाई होने वाली थी, बेटी का शादी होने वाला था, अस्पताल के खर्चे इससे होने वाले थे। लेकिन एक दिन उस व्यक्ति के पास फोन आता है कि आपकी बैंक अकाउंट के साथ आपको मोबाइल नंबर लिंक करना पड़ेगा, वरना आपके जो पैसे हैं वो आप जब चाहोगे तब निकाल नहीं सकते हो, इसके लिए आपको काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा वगैरह वगैरह, और लॉकडाउन चल रही है तो आप घर बिना आए, बैंक एक स्कीम चल रही है जिसके तहत आप घर बैठे ही अपने सारे कामकाज करा सकते हो। थोड़ी ही देर बाद आपको बैंक से कॉल आएगा, आप अपनी बैंक की सारी जानकारी लेके रहो और अपनी फ़ोन भी अपने पास ही रखना जो फ़ोन आपके बैंक में लिंक है। बेचारा भोला भाला सीधा साधा आदमी बैठ जाता है सब कुछ लेके, बात होती है 2-4 मिनट की, 2-4 मिनट बाद पता चलता है कि जो 90,000 के करीब रुपए थे अब वो 90 भी नहीं रह गए। जी हाँ दोस्तों, सारे पैसे लूट चुके थे। ऐसे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि उस व्यक्ति की हाल क्या हुई होगी। दोस्तों यहाँ आपको ये लग सकता है कि आखिर गवर्नमेंट क्यों इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, एक्शन लिए जा रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जितने लोग पकड़े जा रहे हैं उससे ज़्यादा लोग हर रोज़ इस धंधा को अपनाते हैं, इस गंदा धंधा को अपनाते हैं। क्योंकि भारत में जो है सीधे साधे आम भोले भाले लोगों की कोई कमी नहीं है, ये जो है काफ़ी आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप बन रहे हो तो आपको तो कोई ना कोई बनाएगा, इसलिए मैंने आपको ये 9 नियम बताए हैं ताकि आप सीधे साधे या भोले भाले इन 9 नियमों को जानने के बाद नहीं रहो। नंबर 1 है, किसी भी फर्जी फोन कॉल, SMS, व्हाट्सएप, ईमेल या किसी माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन फॉर्म के लिंक पर ना तो क्लिक करें और ना ही कोई जानकारी साझा करें। दूसरा नियम है, फर्जी लॉटरी, मोबाइल टावर, शादी का झांसा, ATM ब्लॉक, जॉब लगवाना, सस्ते लोन, चीट फंड आदि के बारे में कोई भी कॉल या विज्ञापन पर भरोसा न करें और ना ही इनसे जुड़े किसी खाते या वॉलेट में रुपए जमा करवाएं। तीसरे नंबर पर है OLX या क्विकर जैसी जो वेबसाइट्स होती है जिनमें सेकेंड हैंड चीजें हम बेचते या खरीदते हैं, इन पर कुछ भी बेचने या खरीदने में सावधानी बरतें, किसी भी लिंक पर क्लिक न करें, रुपए प्राप्त करने के लिए किसी लिंक को क्लिक नहीं करना होता है तथा सामान प्राप्त होने पर ही इसका भुगतान करें। चौथे नंबर पर है, किसी भी प्रकार का OTP जब आपकी फोन में आता है उसे किसी अनजान व्यक्ति को फोन या किसी और के जरिए से न दें। पांचवे नंबर पर है, अपने फोन को हमेशा लॉक करके रखें, साथ ही सिम में भी लॉक लगाकर रखें, क्योंकि अगर आपका फोन कभी कहीं गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या खो जाता है और किसी गलत हाथ में वो जाता है तो वो उस सिम कार्ड को निकाल कर किसी और फोन में लगा कर कुछ गलत इस्तेमाल उसके साथ न करे। छठे नंबर पर है ATM कार्ड का इस्तेमाल। ATM कार्ड का इस्तेमाल चाहे आप ATM में कर रहे हो या फिर किसी शॉपिंग मॉल में स्वैप करके आप कुछ खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे में हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पिन
कोई और उस पिन को देख ना रहा हो, साथ ही आप अपने कार्ड को खुद से स्वाइप करें। सातवें नंबर पर है न्यूज़पेपर में निकले किसी भी विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट पर भरोसा करके रुपए जमा न कराएं और ना ही कोई व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा करें। दोस्तों आठवें नंबर पर है UPI बैंक या ऐप जैसे कि गूगल पे फोन पे आदि के द्वारा रुपयों की लेन देन की सुविधा दी गई है, जिसमें एक विशेष सुविधा भी दी गई है जो कि रिक्वेस्ट मनी के नाम से जानी जाती है, जिसका कार्य उधार रुपए लेने के लिए किया जाता है। अतः लिंक पर पे या रिक्वेस्ट को समझ कर ध्यान से उस पर क्लिक करनी है। किसी भी साइबर अपराध संबंधी घटना होने पर तत्काल अपने बैंक वॉलेट या अन्य संबंधित के यानी कि जिसके साथ आपकी धोखाधड़ी होती है उनके कस्टमर केयर का नंबर गूगल के जरिए से न ले, बल्कि आप उनकी असली वेबसाइट में जाकर उस नंबर को निकालें फिर कॉन्टेक्ट करें, तथा नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में जाकर अपनी शिकायत भी दर्ज कराएं। दोस्तों ये मामूली से लगने वाले 9 नियम जो है यही आपकी मेहनत की कमाई को, जिंदगी भर की कमाई को आपके बैंक में सही सलामत सेफ रख सकते हैं। अगर इन नियमों को आप नहीं मानते हो तो आज नहीं तो कल आपके साथ धोखा जरूर होगा। मुझे यकीन है कि आप इन नियमों को जरूर मानेंगे। आप मुझसे सहमत है या नहीं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।